लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वह राजनीतिक पार्टियां विद्वानों को लेकर अलार्म करना शुरू कर चुकी हैं, जिसमें कि शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से 50 सीटों पर देश भर में चुनाव लड़ने का आह्वान किया और साथ ही साथ चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की। चंडीगढ़ से जगदीप निदान, पटियाला से रमाकांत पांडे, संगरूर से राजवीर कौर वर्मा, लुधियाना से देवेंद्र भवरिया, भटिंडा से सुखचैन सिंह भार्गव इत्यादि लोगों की लिस्ट जारी की है। शिवसेना हिंदुस्तान जो पंजाब सहित देश के 18 राज्यों में काम कर रही है राजनीतिक क्षेत्र में, शिवसेना हिंदुस्तान हमें हिंदुस्तान शक्ति सेना और हम पूरे देश में 50 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से आज हम पंजाब के, चंडीगढ़ के और हरियाणा के कुछ सीटों की उम्मीदवारों के नाम आए हैं। और पहली सूची के अंदर पंजाब से 7 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम हमने इस सूची में जारी किए हैं और उसको मैं आपके सामने एक बार पढ़ भी, लोकसभा सीट है उसके लिए हमने चंडीगढ़ के हमारे जो पार्टी के नेता हैं श्री जगदीश निदान जी, उनको हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। हमारे बीच में चंडीगढ़ के एक मिनट के लिए खड़े हो जाए, इनको चंडीगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है शिवसेना हिंदुस्तान से। और जहाँ पार्टी का मुख्य कार्यालय है पंजाब में पटियाला लोकसभा सीट, वहां से हमने अपने जिला अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान के श्री समाकांत पांडे, जो पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर के सामने चुनाव लड़े थे, उनको दोबारा से पटियाला लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इसी प्रकार संगरूर लोकसभा सीट, जहां से आम आदमी पार्टी, पीडीए, अकाली दल तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, वहां से हमने अपनी शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब महिला शाखा की प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रभारी श्रीमती राजवीर कौर वर्मा, संगरूर लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी प्रकार से लुधियाना, जो पंजाब की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से अपने श्री देवेंद्र भगरिया, उनको लुधियाना से अपने प्रत्याशी बनाया है। इसी प्रकार से बठिंडा लोकसभा सीट से अपने श्री सुखचैन सिंह भार्गव, उनको बठिंडा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार से श्री सुखदेव सिंह भट्टी, जो हमारी ओर से फरीदकोट लोकसभा सीट के प्रत्याशी होंगे, उनको वहां से हमने प्रत्याशी घोषित किया है। इसी प्रकार से श्री संतोष सिंह सुख, जो खडूर साहब से प्रत्याशी होंगे शिवसेना हिंदुस्तान के, उनको हमने वहां बनाया है। श्री अश्विनी चौधरी, जो मोहाली के निवासी हैं, शिवसेना हिंदुस्तान के जिला उपाध्यक्ष हैं मोहाली से, उनको श्री आनंदपुर साहब का प्रत्याशी बनाया गया है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।